मुअज्जज असातिज़ाए किराम, आप हजरात का बड़ा ऊंचा मकाम है कि आप तलबाए किराम को पढ़ाते हैं। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आज इसे गुजारिश करना चाहता है कि कोशिश करें, पूरी कोशिश करें, अपने गुस्से पर काबू रखें और ये हुजूर के मेहमानों को न मारें। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह ने ये जो दो हाथ दिए हैं ये दुआ करने के लिए दिए हैं, ताजदार मदीना के मेहमानों को मारने के लिए नहीं दिए हैं। बहुत से असातिज़ा कहते हैं हमारे उस्ताद ने हमें मारा था ना, इसलिए हम मारते हैं। तो मैं एक सवाल ये पूछता हूँ कि उस्ताजुल असातिज़ा जो ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कभी सहाबे किराम को मारा? हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने जो 10 साल खिदमत की थी क्या कभी हजरत अनस को मारा? क्या सहाबे सुफ़ा पर किसी सहाबी को मारा? मुअज्जज़ असातिज़ा किराम, आपको अल्लाह का वास्ता, आपको अल्लाह का वास्ता, मैंने बीसियों मिसाल में आपको दे सकता हूँ, आप में बीसियों मिसाल दे सकता हूँ, जो मारने वाले हैं वो सब परेशान हैं और उन पर हालात इतनी तेजी के साथ आते हैं, किसी पर जाती हालात, कोई बीमारी के हालात, किसी पर बच्चों के हालात, किसी पर शहर के हालात और किसी पर अपनी बेटियों के हालात, वो इतने परेशानी में डूबे हुए होते हैं। आपने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला तो सुना होगा जिसका खुलासा ये है कि दो आदमियों को तलाश करने पर भी तलाश न कर सका, एक वो जिसने अल्लाह के नाम पर दिया हो और गरीब हो गया हो, ऐसा मुझे आज तक कोई नहीं मिला, और दूसरा वो जिसने किसी पर जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो, ऐसा भी मुझे कोई नहीं मिला। हमारे यहाँ अजीब हाल है, कभी घर का गुस्सा क्लास में उतार देते हैं, बाहर का गुस्सा हम क्लास में लेकर ना आए। रोजाना हम नरम होते हैं, एक तालिबे इल्म पर गुस्सा आया, अब दूसरे बच्चे को उसके आते ही पहली गलती पर मारना शुरू कर देते हैं, हालांकि रोजाना उसकी 3 गलती चला रहे हैं, लेकिन आज पहले तालिबे इल्म पर गुस्सा आया, अब बच्चे समझ जाते हैं कि पूरा घंटा उस्ताद गुस्से में रहेंगे। आप मुफ्तियाने किराम से पूछें कि क्या एक बच्चे का गुस्सा दूसरे बच्चे पर उतार सकते हैं कि जब दूसरा बच्चा आया तो अब नए सिरे से? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, और क्या 3 लकड़ी से ज्यादा मारने की इजाजत है? और क्या ऐसा मारने की इजाजत है कि जिससे शल पड़ जाए? मैं बहुत आजिजाना तौर पे आप हजरात से रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह के वास्ते आप दिल न दुखाए, मैंने बीसियों को परेशान देखा, तड़पते हुए देखा, हालतों हालात के साथ देखा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग अभी असातिज़ा इकराम से फरमा रहे थे कि मैंने जवानी में मारा था, आप लोग न मारो, ये बुढ़ापे में आज भी मैं उसकी तकलीफ महसूस कर रहा हूं जो मैंने हुजूर के मेहमानों को मारा था। हम 3-4 उस्ताद एक बुजुर्ग के पास गए थे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि मुझे ये बताओ कि बच्चा 7-8 घंटे स्कूल ट्यूशन जाता है, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जाता है, मदरसे में मकतब में 1-1.5 घंटे के लिए आता है, क्यों टेंशन में आता है? हमने अलग अलग मुख्तलिफ जवाब दिए, हजरत ने कहा नहीं, बच्चे को पता है कि मैं स्कूल जाऊंगा, वहाँ ईसाई लोग हैं और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम वाले अखलाक अपनाए हुए हैं, वो मुस्कुराते हुए चेहरे से मेरा इस्तकबाल करेंगे, मुझे मारेंगे नहीं, मुझे मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलेंगे। और उसे पता है कि यहाँ जो उस्ताद बैठे हुए हैं ये उस्ताद नहीं बल्कि कसाई की शक्ल में बैठे हुए हैं, ये गुस्से में होंगे, ये मुझ पर मोहब्बत की नजर नहीं डालेंगे, ये मुझे गुस्से में देखेंगे और इनकी लकड़ी बात करेगी। याद रखना, अगर हमारी लकड़ी बात करेगी तो फिर खुदा की लकड़ी में भी आवाज नहीं है, और अगर कोई बगैर लकड़ी के न पढ़ा सकता हो, या आजिज उसे मशवरा देना चाहता है कि पढ़ाना छोड़ दे, कुछ और काम करे, लेकिन हुजूर के मेहमानों को मारना छोड़ दे, आपको अल्लाह का वास्ता, अगर 250 बच्चे हमारे पास हाफिज हो गए और एक अगर हमारी सख्ती की वजह से चला गया और उसने कयामत के दिन हमें पकड़ लिया तो हमारा मुआमला मुश्किल भी हो सकता है। एक बुजुर्ग तो फरमाते हैं कि जो असातिज़ा मारते हैं वो उस्ताद नहीं, उस्ताद की जगह गलती से कसाई बैठ चुका है।
अल्लाह कुरान करीम में क्या फरमा रहे हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरान। शुरू में अर्रहमान, अगर ये कहा होता कि अल-कहार अल्लमल कुरान तो कुरान पढ़ाने का अंदाज कुछ और होता। और एक बात ये भी अर्ज करूं कि ये बच्चे हैं तो हम हैं, अगर ये पढ़ने के लिए नहीं आते तो हमें कौन पढ़ाने के लिए रखता। इनका एहसान है। आज तो लोग असरी तालीम में मुब्तला हैं, बहुत से बच्चे तो आ ही नहीं रहे, जो बेचारे आ रहे हैं अगर हम उन पे भी सख्ती करेंगे तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे। इसलिए मुअज्जज़ असातिज़ा इकराम, अल्लाह के वास्ते आप बुरा न माने। आप कहेंगे कि अदब की वजह से मारना, तो वो कब मारना, कितनी शराइत के बाद मारने की इजाजत है, और वो भी 3 लकड़ी, और वो भी ऐसी हल्की फुल्की कि उससे निशान न पड़े और एक बच्चे का गुस्सा दूसरे बच्चे पर न उतरे। ये सारे जो शराइत है ये मुफ्तियाने किराम से मालूम करने चाहिए। ये 2 हाथ अल्लाह ने दुआ करने के लिए दिए हैं, हुजूर के मेहमानों को मारने के लिए नहीं दिए। जो भी मार रहे, मैंने हरेक को परेशान देखा, मैंने हरेक को तड़पते हुए देखा। इसलिए जरा अपनी जिंदगी पर गौर करे, अगर कोई परेशानी बड़ी नजर आती है अल्लाह के वास्ते हुजूर के मेहमानों को मारना छोड़ दे। इनका बड़ा ऊंचा मकाम है, इनके माँ बाप की बहुत ज्यादा कुर्बानी है। याजिज आपको दर्द दिल के साथ कहता है, अपना सगा बेटा समझकर इन्हें पढ़ाए, मोहब्बतों के साथ पढ़ाए, और अल्लाह के वास्ते इन्हें न मारे। अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी और आप तमाम हजरात को, तमाम असातिज़ा इकराम को अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। और मैं असातिज़ा इकराम से गुजारिश करता हूँ कि आजिज़ का पैगाम आपको मिले तो आप इसे आगे भी शेयर करें। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की और हुजूर अलैहिस्सलाम के मेहमानों पर रहम करने की, मोहब्बत से इन्हें पढ़ाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। एक बुजुर्ग तो फरमाते हैं कि जो उस्ताद मारता है गोया वो इस बात का इकरार करता है कि मैं आपसे हार चुका हूं, अब मैं आपको समझा के नहीं पढ़ा सकता, मैं आपसे आजिज आ चुका हूं। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते ऐसा न करें। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को सही समझ अता फरमाए।